हेलो नमस्कार किशोर सावनल कैबिनेट में आज एक बार फिर से स्वागत है। सीधा टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक है हॉर्न बजाने के लिए कौन सी एम्पलीफायर अच्छी होती है, कौन सी यूनिट अच्छी होती है, कौन सी डायफ्राम अच्छी होती है। ठीक है, यही टॉपिक में। अब हॉर्न बोलने का मतलब क्या है, हॉर्न होता क्या है, सीधा इसको हम लोग अंग्रेजी में इसको शायद आई थिंक हॉर्न बोला जाता है इसको हॉर्न, और बंगला में इसको चोंग बोला जाए। एटा हलो चोंग, ए लिख ले, देख लीजिए ये जी एस का था, ए चोंग। इसी को इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है चोंग बजाने के लिए, माने हॉर्न बजाने के लिए औजा की यूनिट काफी अच्छी होती है। औजा की यूनिट इससे अभी तक मेरी जिंदगी में इससे अच्छी यूनिट हमको मिला नहीं। सबसे बेस्ट यूनिट यही होती है, सबसे बेस्ट यूनिट यही होती है। देखिए अब ये सेगमेंट में और भी यूनिट है। देखिए ये यूनिट एक ठो ये स्टेंजर की है, ये डुप्लीकेट है, देख लीजिए डुप्लीकेट है, इसमें कोई हॉलमार्क नहीं है। क्लियर देखिए इसमें कोई हॉलमार्क नहीं है। ये शायद हो सकती है दिल्ली वाली है, ये हमको मालूम नहीं है, आई थिंक मुझे लग रही है दिल्ली वाली है, हॉलमार्क नहीं है। अगर ये ओरिजिनल होता ना, इसमें ओरिजिनल होने से इसमें इस तरह हॉलमार्क होती ना। ये देखिए हॉलमार्क, ये औजा का यूनिट है, औजा में हॉलमार्क रहती है। देखिए इसमें नहीं है, इसमें हॉलमार्क नहीं है, इसीलिए ये स्टेंजर अच्छी नहीं है, बकवास है। और फिर अब और कौन सी यूनिट बकवास बकवास होती है, ये देखिए एमआर का है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एमआर लिखा हुआ है, देखिए एमआर लिखा हुआ है। एमआर भी बकवास होती है, साउंड में क्वालिटी नहीं है तो भी एकदम क्वालिटी बोले तो लुल। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी माने हॉर्न यूज करो प्रोग्राम में तो आपको और जाके लेनी है। और इसके लिए अब बाकी रहा मशीन कौन सी लेनी है। ठीक है, मशीन आपको लेनी है, मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। ये देखिए ये औजा की मशीन है, 250 वाट की एम्पलीफायर है। ये 250 वाट की एम्पलीफायर है। इस मशीन में आप लोग अगर नजदीक डिस्टेंस हो, आप नजदीक अगर काफी सामने में नजदीक में अगर डिस्टेंस हो, आप लोग 6 यूनिट दे सकते हो, 6 यूनिट 6 चोंग या 6 हॉर्न दे सकते हो। अगर डिस्टेंस बहुत दूर हो इसमें मात्र 4 दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ा समझाऊंगा इसका टॉपिक क्यों। और इसका और एक अभी मैं 250 का मशीन दिखाया आपको, इसमें औजा का 500 भी काफी अच्छी होती है। औजा में आप लोग 8-10 तक यूनिट लोड दे सकते हो, 8 या 10 यूनिट तक लोड दे सकते हो। और इसको पैरल करके आप जितना भी दूर ले सकते हो ले जा सकते हो, आपको तो मालूम हो जो काम करता है उसको तो मालूम है। और इसमें फर्स्ट बात है, अब बाकी रहा औजा। अब औजा कंपनी में जब मैं चला आया तो बोलता हूं हॉर्न बजाने के लिए औजा का 1000 वाट का एम्पलीफायर अच्छी नहीं है। औजा का 1000 वाट का मशीन हॉर्न बजाने के लिए अच्छी नहीं है। औजा की 700 वाट की मशीन हॉर्न बजाने के लिए अच्छी नहीं है। औजा की 400 वाट की मशीन हॉर्न बजाने के लिए अच्छी नहीं है। औजा की 500 वाट की मशीन हॉर्न बजाने के लिए काफी अच्छी होती है। और औजा की 250 वाट की मशीन हॉर्न बजाने के लिए अच्छी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ खाली केवल औजा में 2 मशीन हॉर्न के लिए अच्छा है। हॉर्न बजाने के लिए केवल 2 मशीन अच्छा है औजा में, एक 500 वाट की, एक 250 वाट की, बस 2 मशीन काफी अच्छी है। और जब कभी भी आप लोग हॉर्न बजाओगे यूनिट औजा का लेना, यूनिट औजा का लेना। दूसरा यूनिट में आप लोग माने पछताओगे, दूसरा यूनिट ले लोगे। इसमें जब कभी ये यूनिट कट जाए, आप लोग का यूनिट कट जाए, यूनिट अगर इसमें कट जाता है, कभी कभी इसमें डाइफ्राम कट जाता है, डाइफ्राम कट जाने से आप इसमें औजा का डाइफ्राम यूज करना। देखिए औजा का डाइफ्राम यूज करना, देखिए इंदर में देखिए, देखिए हॉलमार्क ओरिजिनल का हॉलमार्क होता है। इसमें डुप्लीकेट भी है, इसमें डुप्लीकेट भी मिलता है, आप लोग डुप्लीकेट मत लीजिएगा, ओरिजिनल औजा का लीजिएगा। ये हॉलमार्क होता है औजा ओरिजिनल में, डुप्लीकेट में ये नहीं होता है। देखिए आप लोग को काम करने के लिए सबसे आसान तरीका, अब बाकी रहा 250 वाट
औजा के लिए माने चोंग के लिए हरण के लिए अच्छी होती है, 500 वाट अच्छी होती है, दूसरी काय अच्छी होती नहीं। और 250 वाट मशीन, जो 250 वाट मशीन है वो मोनो मशीन है, वो केवल एक जोन होती है इसमें, और 500 वाट की भी मोनो मशीन लेनी है आपको। स्टूडियो में जो दो जोन होता है, चैनल ए चैनल बी, आपको टू जोन मशीन लेना नहीं है औजा में हॉर्न के लिए, केवल सिंगल जोन वाला मशीन लेनी है, जिसमें सिंगल जोन हो, सिंगल जोन वाला मशीन लेनी है आपको। काफी अच्छी क्वालिटी आएगी उसमें, और तार आप लोग को माने यूनिट बजाने के लिए, माने आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये पीएनटी तार बोला जाता है इसको, इसको यूनिट बजाने के लिए ये तार काफी अच्छी होती है। पीएनटी तार 1.5 इसका मॉडल नंबर है, 1.5 ये पीएनटी तार काफी अच्छी होती है। ये प्योर कॉपर होती है, ये प्योर कॉपर होती है, कैमरा में नजर आएगा नहीं शायद, ये प्योर कॉपर होती है, ये काफी अच्छी होती है। मुझे दिल्ली का प्राइस कलकत्ता का प्राइस मालूम नहीं है, मैं सिलगुड़ी का प्राइस बोलूंगा, सिलगुड़ी में इसका दाम है 950 रुपया, जिसमें 300 मीटर करीब तार मिलती है, 300 मीटर करीब मिलती है। आप इसमें मैक्सिमम 100 मीटर तक आप ले जाओगे तो साउंड इसमें बैठेगा नहीं, माने साउंड क्वालिटी बैठेगा नहीं, गेन कम होगा नहीं, उससे ऊपर ले जाओगे तो आपको थोड़ा सा साउंड बैठ जाएगा, माने कोई भी यही प्रॉब्लम होता है सब हॉर्न बजाने के। इसके लिए आपको फिर एक माने अलग से वहां पर एक माने पावर देके फिर वहां से आपको आगे बढ़ाना है, वो तो आपको उससे माने बोलने का कोई जरूरत नहीं, आपको सब समझ आता है। जो लंबा काम करते हैं, जो बड़ा बड़ा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, विशेष हम लोग का बिहार यूपी में ऐसा काम होता है, बिहार यूपी में करीब करीब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हॉर्न ले जाते हैं, और वहां पर इतना इतना मोटा तार यूज करते हैं, उतना मोटा तार यूज करने का कोई दरकार नहीं है। ये पीएनटी तार 1.5 काफी अच्छी होती है, आप लोग ये तार यूज कर सकते हो, ये पीएनटी तार इसको बोला जाता है, पीएनटी तार कोई भी कलर का हो, कलर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्योर कॉपर हो ये इंपोर्टेंट है, कॉपर प्योर होना चाहिए। अगर आप सिंथेटिक कॉपर माने अल्मोनियम ले वो लोगे तो इसमें साउंड अगर साउंड बैठ जाएगा, समझ गए ना। पीएनटी तार काफी अच्छी होती है हॉर्न बजाने के लिए। और अब आया फिर स्टेंजर में, इधर देखिए, ये स्टेंजर भी आप ले सकते हो, मैं मतलब बोलूंगा नहीं, इसमें आप ले सकते हो, लेकिन इसको आपको कलकत्ता वाला स्टेंजर लेना है, वो भी ओरिजिनल, जिसमें हॉलमार्क हो वाटरमार्क हो, माने क्वालिटी आपको देख के लेना है, ठीक है। ये डुप्लीकेट से आपको सावधान बैठना है, डुप्लीकेट लेना नहीं है। आप सोच रहे होगे फिर क्यों भाई आप क्यों डुप्लीकेट लिए, ठीक है, आप क्यों लिया डुप्लीकेट, ये तो डुप्लीकेट है, क्यों वीडियो बनाने के लिया नहीं है ये, मुझे मालूम ही नहीं था जो स्टेंजर डुप्लीकेट होता है बोल के, मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं ले आया। लेने के बाद में लाने के बाद में बजा के देखा तो क्वालिटी नहीं है साउंड में, समझ गए, साउंड में एक छो भी क्वालिटी नहीं है, मुझे भी दुकानदार ठग दिया। हम लोग का एक हिंदी में कहावत है, चलाक आदमी बार बार ठगाता है, और बेवकूफ सीधा साधा आदमी एक बार ठगाता है। हम चलाक हो गया था, हमको भी फिर से ठग दिया एक बार, देखिए पहले भी कितना बार ठगाया था, फिर से ठग दिया एक बार डुप्लीकेट में। मैं फिर आप लोग फिर ये इसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाया था, मैं डुप्लीकेट ये नया है, एकदम ब्रांड न्यू है, इसको खरीदा हुआ खाली एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, देखिए स्टेंजर लिखा हुआ है, एक सप्ताह भी नहीं हुआ है। मेरा कल का जो प्रोग्राम था ना, मैं कल वीडियो पर आया नहीं, मेरा तो प्रोग्राम के लिए मैं कल एक प्रोग्राम था बोल गई, इसको एक सप्ताह आगे लेके कल इसी लगाया था, यही एक थो भी क्वालिटी साउंड में नहीं है। इसके साथ में मैं औजा लगाया था, इसके साथ में मैं औजा लगाया था, औजा का काफी अच्छी साउंड क्वालिटी थी, एकदम एकदम क्वालिटी अच्छी थी औजा की। इसके साथ में ना एमआर का साउंड क्वालिटी अच्छा था, ना एमआर का साउंड क्वालिटी अच्छा, ना स्टेंजर का साउंड क्वालिटी अच्छा था, दोनों बकवास था। इसीलिए मैं यही टॉपिक में आज वीडियो बनाया कि भाई जैसे मुझे दुकानदार मुझे ठग दिया ना, आप लोग को ना ठग सके, इसीलिए मैं पहले आपको बोल दिया, आप लोग को मशीन लेना है औजा की 250 वाट 500 वाट हॉर्न के लिए, और आपको स्टूडियो फॉर्मेट में मशीन नहीं लेना है, आपको मोनो मशीन लेना है, और औजा की एलटी यूनिट लेनी है, एलटी लाइन ट्रांसफार्मर यूनिट, डाइफॉर्म भी केवल औजा यूज करना है आपको, केवल औजा यूज करनी है, दूसरे डाइफॉर्म अच्छी होती नहीं है, और डुप्लीकेट से सावधान। मशीन 250 और 500 यूज किया करो, आपको काफी फायदा होगा। बस आज के लिए इतना ही, और अब कल या परसों का वीडियो में मिलेंगे।
धन्यवाद।